हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी 6 फीट का टेडी बियर अनबॉक्स करके उसकी हाइट, उसका विड्थ, उसका कलर और उसका मटेरियल फैब्रिक कैसा है, एवरीथिंग मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है टेडी बियर को बनाने में कैसा मटेरियल यूज हुआ है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम टेडी बियर रेगुलर यूज़ करते हैं, कहीं उसको रेगुलर यूज़ करने के बाद जब वो गंदा हो जाता है, तो जब हम उसको धोते हैं तो इसकी फैब्रिक क्वालिटी या फिर उसकी सॉफ्टनेस में कोई असर ना पड़े, ये सब मैं आपको बताऊंगी कि कैसा फैब्रिक है, असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये है 6 फीट का टेडी बियर जो काफी सॉफ्ट है, काफी स्मूथ है। देखिए, इसमें जो फिलिंग की है वो सॉफ्ट कॉटन फाइबर फिलिंग की है। ये देखिए, ये सॉफ्ट कॉटन फाइबर फिलिंग है इसकी। ये जो टेडी बियर है ये वॉशेबल है और इसका वेट जो है ये काफी भारी है, वो है 1.92 kg। से हेलो टू ऑल माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर, हेलो। इसका जो आप कलर देख रहे हैं काफी क्यूट कलर है, ये ब्राउन कलर का है, बहुत ही प्यारा कलर है। ये मेरे हबी ने मुझको वैलेंटाइंस डे के दिन सरप्राइज गिफ्ट में दिया, उन्होंने अमेजोन से मंगाया था ये 2199 रुपीज में। इसका लिंक मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा है, तो प्लीज चेक जरूर करना। वो इसको स्ट्रेट रखना मेरी बस की बात नहीं, क्योंकि काफी हैवी है ये। ये देखिए, मेरी हाइट से भी ज्यादा इसका वो आ रहा है, इसकी हाइट। मैं तो हाफ के लग रही, इतना बड़ा है, तो बैंड हो जा रहा है। इसकी हाइट मेरे फिट से भी ज्यादा है, देखिए ये बैंड हो जा रहा है। एक्चुअली कॉटन है ना इसमें, तो इसकी हाइट काफी लंबी है। ये टेडी बियर इतना बड़ा और इतना हैवी है, देखिए इसकी टाइज पर इतनी क्यूट सी लग रही है ना, मेरा पंपकिन, मेरा बुन्नू। तो मैंने किस भी दे दी इसको, तो बहुत प्यारा आता है। मैं जब भी अपने टेडी बियर को देखती हूँ, और इसकी छोटी सी पूंछ देखिए, ये मेरा बेबी से खेलता है, उसका बहुत अच्छा लगता है इसकी पूंछ से खेलना। इसमें आपको वॉश करने के लिए एक चेन दी गई है पीछे से, देखिए मैं चेन को खोलूंगी और इससे कॉटन बाहर निकाल के फिर वॉश करूंगी। तो अभी मेरा टेडी बियर ठीक है, लेकिन जब आपको वॉश करना होगा, आप पहले इसकी चेन खोलना, सारा जो इसका कॉटन है निकालना, फिर इसको इजिली ये धुल जाएगा और धो के सूखे जल्दी सूख भी जाएगा। हो सके तो आप इसको ना उसमें हैंड वॉश करना, मशीन वॉश मत करना। हो सकता है मशीन में, क्योंकि इतना सॉफ्ट फैब्रिक है, मशीन बहुत रफली वॉश करती है, तो हो सकता है इसका जो मटेरियल है वो खराब हो जाए, तो हैंड वॉश इज द बेस्ट। मैंने इस टेडी बियर को खरीदने का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है, आप प्लीज चेक जरूर करना उसको, और जल्दी से अपने घर में प्यारा प्यारा टेडी बियर ले आए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। बाय बाय। मुझे अपने टेडी बियर में हर समय बहुत प्यार आता है। My teddy bear, I'm so happy. फ्रेंड्स, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, या कोई बेबी को देना हो उसके बर्थडे पे या वैसी, तो जो भी इस टेडी बियर को लेगा वो बहुत ही खुश हो जाएगा, क्योंकि इतना क्यूट सा है ना, बड़ा सा प्यारा सा टेडी बियर है। तो जब भी उस टेडी बियर को देखेगा तो आपको थैंक्स कहेगा वो 1000 टाइम्स कि आपने उसको इतना प्यारा गिफ्ट दिया है।